छुटकारा जनता की अब यह बनारा। रोजी रोटी के सवाल, विकास निर्माण, भ्रष्टाचार, अत्याचार, रूढ़िवादी और अंधविश्वास पर कड़ा प्रहार। हर क्षेत्र के व्यक्तित्व संघ के सीधा दंगल कार्यक्रम आमने सामने। साता के साथ ही दिन सुबह 7:30 बजे से 8 बजे तक कार्यक्रम आमने सामने। कार्यक्रम आमने सामने। नमस्कार और प्रणाम तमाम भोजपुरी श्रोताओं के रेडियो 94.4 MHz के तरंग पर तरंगित होकर वाला कार्यक्रम आमने सामने के आज के बहस में आज के बदकही में मनोज पटेल हम फिर से हाजिर हो गए बानी सवेरे सवेरे के ई मौसम में। श्रोता महानुभाव लोग सुबह के नया किरण ई निर्धारण करेला कि आजू के दिन कैसन रहे वाला बा। जी तो सबसे पहले तो हम आज के दिन अपने लोग के बहुत ही शुभ सफल और अपने के सोचल ऐसा मनोकांक्षा अपने के पूरा हो को हम शुभकामना देवे के चाहता नहीं। कार्यक्रम नियमित रूप में हमनी के प्रसारण होते आ रहा भाई हर दिन सवेरे सवेरे और ये कार्यक्रम हमनी के समाज के एगो आईना के तरफ एगो दर्पण के तरह बा। समाज के जौन चेहरा बा आवाज़ से ही सही हमनी के रेडियो से ही सही अपने लोग के घर घर में अपने लोग के मोबाइल सेट में चाहे रेडियो में चाहे ऑनलाइन मार्फत जैसे भी हमनी के सुनत हो कि अपने लोग के समक्ष में हमनी के पहुँचावे के प्रयास करीने और नया नया विभिन्न विषय वस्तु पर राजनीतिक विषय वस्तु पर सामाजिक विषय वस्तु पर स्वास्थ्य के विषय वस्तु पर रोजी रोटी के विषय वस्तु पर गरीबी रोजगारी हमनी के समाज में रहल व्यथिति कुरुति अंधविश्वास आदि तमाम विषय वस्तु पर हमनी चर्चा परिचर्चा बहस चलावते आ रहा बनी और हमनी के समाज के कैसे रूपांतरण कइल जा सकता सही रास्ता में प्रगति के मार्ग पर और सही दिशा में कैसे हमनी के आगे बढ़ावल जा सके तमाम विषय वस्तु पर हम बहस चलाते आ रहा मानी छलफल करते आ रहा मानी। और आज हमनी के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय स्वास्थ्य की क्षेत्र में विभिन्न किस्म के गतिविधि काम सब हो रहा बा। बिरगज भी एगो स्वास्थ्य के क्षेत्र में एगो हब बन सकता एगो चेकअप जांच करावे के खातिर यहाँ बाहर से अन्य जिला से देश विदेश से भी आदमी सब के यहाँ हमनी के लियावल जा सकता। बीच बीच में हमनी के स्वास्थ्य और पर्यटन के भी संगे संगे जोड़ के भी हमनी देख रहा बानी ऐसन भी विश्व में बहुत ऐसन जगह सबा देश में बिरगज में भी अपने देख रहा बानी पिछलका समय में बढ़िया बढ़िया हॉस्पिटल बढ़िया बढ़िया डॉक्टर लोग अपन कार्य क्षेत्र बिरगज में बना के काम कर रहा बा। आज यही विषय वस्तु पर हमनी बहस कर रहा बानी और आज हमनी के बहस में जुड़ रहा बानी बिरगज के बहुत ही चर्चित कम समय में ख्याति प्राप्त करे में सफल भइल न्यूरो सर्जन डॉक्टर विपिन चौरसिया जी हमनी संगे जुड़ रहा बानी बहस में। और बिरगज में वहाँ एगो पहला बार ही तराई में ब्रेन के यूनिरिज्म क्लिपिंग शैली क्रिया में सफलता प्राप्त करके फिर एक बार चर्चा में बानी वहाँ के ई तमाम विषय वस्तु पर हम चर्चा करें कि ई का है और ई कौन किस्म के शैल क्रिया बा इो विषय पर हम चर्चा करें। और बिरगज में न्यूरो सर्जन डॉक्टर लोग बा कुछ गनल चुनल डॉक्टर लोग भी बा बिरगज में यहाँ कौन कौन किस्म के सुविधा बा न्यूरो संबंधी उहो विषय में हम उनकरा से बहस करें। सबसे पहले डॉक्टर विपिन सर के हम कार्यक्रम में स्वागत करें। डॉक्टर साहब कार्यक्रम में अपने के स्वागत बा। जी डॉक्टर साहब विपिन डॉक्टर साहब कार्यक्रम में अपने के स्वागत बा। जी थैंक यू जी डॉक्टर साहब अपने एगो न्यूरो सर्जन बनी और बिरगज में ही ना है तराई में ही पहलका बार ब्रेन के न्यूरिज्म क्लिपिंग प्रविधि से शैल क्रिया करके अपने एक बार चर्चा में बानी ये चीज का हमनी के श्रोता लोग के थोड़ा संक्षिप्त रूप में हमनी के रेडियो सुन रहा श्रोता लोग के बताई। एन्यूरिज्म के नेपाली तो नहीं है अभी तक रे इंग्लिश वर्ड ही है एकर का होला कि ब्रेन में जो नशा बा नशा के मतलब जे में ब्लड जाला जी 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 ब्लड वो में का होला ओकर रास्ता में एगो बैलून खनिया फूल जाला तो जब फूल जाला तो बहुत किसिम के बात जैसे प्रेशर बढ़ गई जी जी चाहे
चाहे हमने के ट्रॉमा भाई कोनो किसी के हेड इंजरी तो वो फूट जाला जी 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 फूट जाला तो का होला कि रगत जौन बा पूरा ब्रेन में फैल जाला तो पूरा ब्रेन में फैल जाला के चलते का होला कि आदमी के बेहोश हो जाला आ सीवियर हेडेक होकला ई बीमारी में जी एकरा के सीवियर हेडेक मतलब ब्रेन में ज्यादा खून जम के एकरा बाद में आदमी के देहांत भी हो सकता आदमी के देहांत तो एकदम हो ये सकता लेकिन आदमी के देहांत होके से पहले भी पेशेंट अगर हमनी लंग पहले पहले आवेला तो कहेला कि सीवियर हेडेक नेवर एक्सपीरियंस इन ही लाइफ माने ओइसन हेडेक होला पेशेंट के जब वो बैलून फूट जाला तो ऐसन हेडेक होला कि कहेला कि ऐसन हेडेक अपना जीवन में कहियो हम ना सुनले रहनी ना देखले रहनी ना हमारा भय रख जी 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 तो ओइसन हेडेक लेके हमनी लंग आवेला तो हमनी के एक बेर में चिंता दिमाग में खटक जाला कि ई जरूर ना जरूर एरियम रप्चर भइल बा तो ओकरा खातिर हमनी के सबसे पहिल का काम का करनी सन सीटी स्कैन ओ करनी सन सीटी स्कैन कइला के बाद हमनी के एगो एगो लौकेला हमनी के तंका तंका उजर उजर लौकेला त हमनी के उ समझनी सन कि इस एनुरिजम रप्चर भइल बा ओकरा बाद एगो काम रहला कि एकरा बाद अगर सीटी एंजियोग्राम आवेला जी जी एमआर एंजियोग्राम आवेला उ को के देखला में का होला कि उ बैलूनवा लौक जाला तो अब बैलूनवा लौक जाला तो ओकरा बाद ओकर निश्चित ट्रीटमेंट होकर जाला ये एकरे को जाला ब्रेन एनुरिज्म रप्चर रप्चर अगर नइखे भी होत उ बैलूनवा खतरा लेके आ सकता अपने यहाँ संकट कर ब्रेन में अगर कोनो खतरनाक रोग बाटे तो ई एनुरिज्म जोन बा एकरा कहला वैस्कुलर लेजन ई सबसे खतरनाक ट्यूमर से भी ब्रेन में अगर ट्यूमर बा ओकरो से ही खतरनाक ब्रेन में अगर कोनो ना कहनी से ब्रेन में हेमरेज हो गई जी जी रगत जम गई ओकरो से ही खतरनाक चीज है ई हेमरेज हुए लेकिन ये हेमरेज दोसर किस्म के हेमरेज जोन की हमनी के धारणा बा ओकरा से ही दोसर किस्म के हेमरेज आ ई सबसे खतरनाक एकर ऑपरेशन जोन बाटे एकर ऑपरेशन औरो खतरनाक एगो अब जैसे कि डॉक्टर साहब एगो ब्रेन हेमरेज एगो होला एकरा बाद में मतलब कहल जाला कि थोड़ा सा शॉर्ट मर ले बा कह के हमनी के भोजपुरी भाषा में अगर लोग कहला त हल्का शॉर्ट मार देले बा कह के और कुछ मतलब अंग ही पैरालिसिस होके के एगो उ भी बा ओकरा से ई केतना मतलब ओ में का भिन्नता बा ब्रेन हेमोरेज या शॉर्ट मारला पैरालिसिस मारला उ जोन गांव घर में हमनी के धारणा में अपने के धारणा में जी 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 उ जोन पैरालिसिस वाला ओकरा के हमनी के स्ट्रोक कहेनी जी 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 स्ट्रोक भी दो प्रकार के होला एगो में एगो ब्लड वेसल के नसा फूट जाला जी जी एगो में ब्लड वेसल के नसा सूख जाला तो उ पैरालिसिस ओकरा चलते जोन होला जोन तक जोन चलते साइन सिम्टम आवला उ स्ट्रोक अलग चीज बा जी जी आ ई जोन बाटे ई ब्लड वेसल के बीमारी है ब्लड वेसल के बीमारी में दो तीन चार किस्म के होकेला वो में एवीएम आ एनुरिज्म कॉमन बाटे आ ई जोन बाटे एवीएम एनुरिज्म ई बहुत खतरनाक चीज है एहू एमे जनरली अपने के हेमिपेरेसिस वगैरह बहुत कम होला हेमिपेरेसिस का मतलब एक साइड पे पैरालिसिस कम होला लेकिन होला जरूर आ उकनी में माने हेमेटोमा कहनी सन चाहे बड़का बड़का हेमरेज हो गई आ हेमरेज के निकाल देवे नि सन तो बहुत जल्दी पेशेंट रिकवर कर देवला तो उ अलग बीमारी है लेकिन एमे जोन बा हेमेटोमा ए तरह बहुत कम देखें एमे डिफ्यूज एकदम सब एरेकनोइड ब्लीड कहल जाला हमनी के सब एरेकनोइड के मतलब ब्रेन के कवर करे वाला तीन गो चीज बा ड्यूरा पाया एरेकनोइड तो लास्ट वाला जोन बा ब्रेन के कवर करेला ओकरा के एरेकनोइड कहल जाला ओकरे नीचे 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 पूरा नीचे नीचे ब्रेन में ब्लड जम जाला तो ई सबसे खतरनाक हुआ माने जी अब जैसे कि अब न्यूरोसर्जन बहुत सारा बिरगज में भी बिरगज के विभिन्न हॉस्पिटल में भी न्यूरोसर्जन लोग के बा अपने लोग के साथी लोग अपने लोग के सहकर्मी लोग के ही काम कर रहा बा जौन हमनी के यूनिरिज्म के जौन बात करता नहीं एकर नेपाल में इलाज और बिरगज में इलाज अपने लोग बिरगज में अपने अपने खुद कहनी है कि तराई में ही पहला बार हमने मतलब सफल हमने के एगो टीम अपने लोग के एगो टीम डॉक्टर साहब लोग के सफल मतलब अपने लोग कोशिश अपने लोग लगे क्षमता बा लेकिन अपने लोग ना करत रही है बिरगज में अपने लोग पहल का बार तराई में ही पहल का बार अपने लोग कहनी है नेपाल में एक इलाज और बिरगज में एक इलाज संभव बा
ई भी मैसेज जाए के पड़ल हमनी जनता लोग के पास में। जनता लोग लगे अभी बहुत हाँ नहीं कि अगर ब्रेन संबंधी अगर न्यूरो संबंधी कोनो किस्म के समस्या होला तो तुरंत काठमांडू पटना या देश विदेश जाला लोग का बीरगंज में ऐसा दक्ष जनशक्ति नहीं के क्या कहे में अपने। अब बात रहल एक एनयूजीएम के ट्रीटमेंट के जहां तक बात चल जाए तो हमनी के बीरगंज में लगभग 4-5-6 बरस से 6 आदमी न्यूरो सर्जन बानी सन। जी जी, 6 आदमी न्यूरो सर्जन हमनी के बानी सन, लेकिन अभी तक ले पूरा मधेश में कहीं, पूरा तराई में कहीं, चाहे बीरगंज में कहीं, कब मैंने ई ऑपरेशन करे में सक्षम हमनी के ना रही हसन, कोई भी ना रहल चाहे कभी तक ले ना भइल चाहे ना कोई नहीं हसन। तो बहुत डिफिकल्ट सर्जरी है, तो ई हमनी के एगो हमर पेशेंट रहा के भवानी हॉस्पिटल में, हम जय पॉलीक्लिनिक से, हम पॉलीक्लिनिक बा हमारे एगो बिरता में जय पॉलीक्लिनिक, तो वहाँ से हम भवानी हॉस्पिटल में लिया के भर्ती कैनी। तो पहिलका बेर उ पेशेंट के हमनी के डायग्नोज करके एनिरिजम सिटी एंजियोग्राम करके एमसीए एनिरिजम डायग्नोज कर गई। एमसीए एनिरिजम के मतलब होला कि मिडल सेरेब्रल आर्टरी से उ बैलूनवा निकलल, एनिरिजम निकलल, तो डायग्नोज करके हमनी के ओकरा के पेशेंट के काउंसलिंग करके ऑपरेशन खातिर रेडी कैल। तो ऑपरेशन खातिर रेडी कैला के बाद रेडी कैनी सन, ओकरा बाद हम अब बात आई कि ऑपरेशन करे के, ऑपरेशन भइल नहीं के तराई में मधेश में पूरा जी इतने ना स्रोत साधन इक्विपमेंट एकरा बाद में एगो सुविधा संपन्न ऑपरेशन थिएटर तमाम बात सब इस संग जुड़ा के आवेला डॉक्टर साहब अबे करला। तो एकरा खातिर से आज हम सोचल, अब सब लोग कहत रहे ऑपरेशन ना होके अब रिफर ही करे परी पेशेंट, हमनी के अभी तक ले काठमांडू चाहे दिल्ली चाहे बनारस चाहे विदेश में आदमी के रिफर कर ऑपरेशन कर रहा है। आ काठमांडू में जमा 2-3 गो न्यूरो सर्जन ही बालो जाए ऑपरेशन करेला, और बाकी दिल्ली में भी बहुत सब लोग ना करेला, बहुत कम लोग बाकी ऑपरेशन करेला। तो ओकरा के हमनी के अब सोच विचार करके तो हम अपन एगो टीम बनेनी, उस टीम में डॉक्टर रंजीत कुमार चौरसिया बेवड़ा हॉस्पिटल के बनी, उनका के इन्वाइट कैनी हम, डॉक्टर सफरोज अंसारी न्यूरो सर्जन नेशनल मेडिकल कॉलेज बनी, उनको के इन्वाइट कैनी, एगो टीम बना के हमनी के छलफल कैनी सन की एकरा के हमनी करे के पड़ल, उद्घाटन करे पड़ल ये हमनी के, ताकि हमनी के पेशेंट जो बाहर ना जाए, बीच से बाहर ना जाए, इवें हमनी के ऑपरेशन कर दी सर, ताकि लोग के सस्ता में, कम सस्ता में, बिना दुख के ऑपरेशन हो जाए, पेशेंट ठीक हो जाए। तो हमनी के छलफल करके एगो धारणा बनैनी सन, आ पेशेंट के काउंसलिंग करनी सर, काउंसलिंग बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बा, पेशेंट के नहीं बुझाव तनी कि अपने के ब्रेन खोले के बा आ का करे के बा, कहे कि सब कोई ब्रेन खोले खोलवार के कह के डर लागल, काउंसलिंग कैनी सन, पेशेंट मान गई। आ एकरा खातिर इतने तक लगे ना कि पेशेंट ई ऑपरेशन करे खातिर हमनी के माइक्रोस्कोप के जरूरत चाहिए, बिना माइक्रोस्कोप ई ऑपरेशन होबे ना करेला, सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट चाहिए। तो उ सब चीज करके हमनी के तीनों आदमी छपल, रंजीत डॉक्टर रंजीत बोलन, डॉक्टर सप्रोज बोलन, हमनी के तीनों आदमी मिलकर बैठ के छलफल कैली सन। ओकरा बाद इहे इतना ना छलफल कैला के बाद भी ओमे लागल एगो क्लिप, क्लिप कहल जाला, उ बैलूनवा कनिया फूल जाला, ओकरा के तरह हमनी के बैलून बांधे नहीं सन, वही तरह वहां ना बांध के ओकरा के क्लिप लगावे नहीं सन। तो उ क्लिप जौन बाटे कहूँ भी दुनिया में दोसर क्लिप सप्लायर होकला, ओकरा के हम काठमांडू में जौन बाटे ओकरा के फोन कैनी, तो उ कहलक कि हम 50,000 तक दे देहब एगो क्लिप, एगो छोटा सा क्लिप जौन अभी देखला से नाहिए लौकी। तो उ काठमांडू से फोन कैनी, तो उ हमरा के क्लिप सप्लाई कैलक, सिमरा पठा देलक, सिमरा से हम जाके अपने खुद जोइनी लिए अनी, फिर ओकरा के उस 100 क्लिप पठेलक, 100 में से एगो हमनी के काम लागल, तो फिर हम ओकरा के सिमरा जाके काम हो गई ऑपरेशन, तो सिमरा जाके ओकरा के काठमांडू हम पठा देनी। तो बहुत दिक्कत बाटे इस सब माने ऑपरेशन में, तो इस सब दिक्कत के बावजूद भी हम तीनों आदमी मिल के एकदम सफल ऑपरेशन कैनी सन, जाना के चलते कि आज पेशेंट एकदम दौड़ के घरे गई लगा, छुट्टी हो गई, ऊपर डिस्चार्ज कर लगा, देयर इज नो कॉम्प्लिकेशन पोस्ट ऑपरेटिवली एट ऑल। जी एकरा के हमनी ऐसे बुझ सकत नहीं कि अपने लोग के ई जोन ऑपरेशन जोन केनी है पूर्ण रूप में सफल रहल, और फर्दर करो किस्म के कॉम्प्लिकेशन चाहे कोनो किस्म के समस्या एकरा बाद में डिस्चार्ज करे के वक्त में कोनो किस्म के अपने लोग के फेस ना करे के पड़ल। 15 दिन हो गई अभी तक कोनो कॉम्प्लिकेशन ना आई, तो एक मतलब कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो फर्स्ट दिन से ही कॉम्प्लिकेशन, जब अपने क्रेनियोटोमी, क्रेनियोटोमी के मतलब वाला ब्रेन के खोले के हड्डी के निकाले, क्रेनियोटोमी कहनी से फर्स्ट दिन से ही कोनो कॉम्प्लिकेशन आए। हालांकि ई ऑपरेशन जोन बा इतना कॉम्प्लिकेटेड और रिस्की बा कि अपने के ऑपरेशन करें बिहार मिले पेशेंट के गोड़ हाथ पैरालिसिस हो जाए, जान भी जा सकता डॉक्टर साहब।
जान तो खैर ऊ तो खैर अलग बात बात जान तो चलिए जाई लेकिन जान के अलावा भी कॉम्प्लिकेशन और हो सकता है लाइक फीवर हो सकता है पेशेंट के पैरालिसिस हो सकता है एगो गोड़ में बोले नहीं छे सकत आंख से नहीं छे देखे सकत माने ऑपरेशन के बाद लेकिन ई सब कोनो कॉम्प्लिकेशन ना भइल पेशेंट के इस पेशेंट प्लीज हैप्पीली डिस्चार्ज एंड सी इज वेरी वेरी हैप्पी स्पेशली विथ आवर टीम डॉक्टर सरोज लन हम डॉक्टर बिपिन बानी और डॉक्टर रंजीत बानी तो ये तीनों टीम से भी पेशेंट पार्टी पेशेंट के हस्बैंड वो भी बहुत हैप्पी बार एकदम हंसते हंसते डिस्चार्ज कैनी सन बट दो दिन के बाद हुए दो दिन पहले उनका डिस्चार्ज कैनी सन घरे चल रहा जी ये ऑपरेशन अपने लोग डॉक्टर साहब ऑपरेशन अपने लोग कहाँ कैनी ऑपरेशन थिएटर के अवस्था एक बाद में इक्विपमेंट जौन अपने के चाहे एगो डॉक्टर साहब लोग के कहना रहेला कि सारा चीज के तो हमनी के ज्ञान बा बिरगज के डॉक्टर लोग अधिकांश डॉक्टर लोग अन्य अन्य डॉक्टर लोग अपने लोग न्यूरो सर्जन बानी चाहे गाइनोलॉजिस्ट लोग के बात करल जाओ चाहे फिजिशियन लोग के बात करल जाओ चाहे अन्य जौन विभाग बा डॉक्टर के डॉक्टरी विभाग बा उ विभाग लोग के डॉक्टर लोग के कहना में रहला हमनी लगे तो ज्ञान बा लेकिन स्रोत साधन इक्विपमेंट वैसन थिएटर वैसन हर चीज अगर चाहें तो हमनी यही लंग उ चीज कर सकतनी कह के कहना बा तो अपने लोग एकरा ई ऑपरेशन के ऑपरेशन कहाँ कैनी अपने लोग और इक्विपमेंट लोग के जौन अवस्था रहे अपने का पैनी बिरगज में अच्छा इक्विपमेंट के जहाँ तक बात बा इक्विपमेंट तो दूसरा चीज हुए लेकिन ओकरा से पहिलका चीज का हुए कि डॉक्टर के स्किल मतलब कौन डॉक्टर करे में क्षमतावान बा कौन डॉक्टर स्किल्ड बा तब ना इंस्ट्रूमेंट के बात आई जे एक इंस्ट्रूमेंट हमारा चाहे तो उ डॉक्टर अब हमनी के बानी सन हमनी के करे में सक्षम बानी सन सक्षम भइला के बाद अब इक्विपमेंट के बात बा एकरा खातिर माइक्रोस्कोप चाहिए हम तो पहले हूँ कहनी जी 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 तो माइक्रोस्कोप जौन बाटे अब भवानी हॉस्पिटल में अभी तक माइक्रोस्कोप नहीं के लेकिन हमनी के ऑपरेशन कर तानी सन ब्रेन के कोनो भी किसी को ऑपरेशन अभी तक ले माने हमनी के करा तानी सन डेली कहीं तो लेकिन हमनी अब भवानी हॉस्पिटल में अब माइक्रोस्कोप नहीं के अभी तक ले हमनी के लियावे के प्रोसेस में पानी सन तो ओकरा खतरा अब बीरगंज में एक जगह माइक्रोस्कोप रहे वो नेशनल मेडिकल कॉलेज में तो वहाँ डॉक्टर सफरोज अंसारी बानी तो उनका से हम बात कही तो भइल कि हमनी के शुरू करे कॉल कोई नहीं आई नया चीज बाटे लोग के जनावे के पड़ल और डॉक्टर साहब एक और महत्वपूर्ण चीज अपने बतैनी हा एगो कोनो भी चीज में और ये अपने लोग के पेशा में भी बिरगज में एगो टीम स्पिरिट के कमी देखल गेल बा बिरगज में लोग मतलब यही लंग सीनियर डॉक्टर रहेला लेकिन बगले में लेकिन रिफर करेला लोग एक बेरी बाहर कर देवेला रिफर अपना से सीनियर डॉक्टर बिरगज में बा लेकिन ऐसन परिपाटी बिरगज में नहीं के और नहीं जैसे कि मिलजुल के काम कर जाओ अपने लोग अब जैसे कि बतैनी हमनी के तीन जने के टीम बनैनी ये टीम स्पिरिट से भी बहुत ऐसा कॉम्प्लिकेटेड जौन केस सब ओकरा के सफल इलाज बिरगज में कल जा सकता एगो ई भी मैसेज गेल बा एकर चीज के भी जरूरी बा बिरगज में अपने क्या कहें टीम वर्क तो बहुत बहुत जरूरी बा स्पेशली हमनी के डिपार्टमेंट में न्यूरो सर्जरी में तो हमनी के बिना टीम वर्क के कोनो काम ना कोनो भी ब्रेन ऑपरेशन होला लगभग दो आदमी तीन आदमी और न्यूरो सर्जन मिलके ही हमनी के करे नहीं सक हालांकि ये परिपाटी बिरगंज में अभी तक ना रहा लेकिन जब से हम ऐनी है तो हमार सब कोई तो फ्रेंडे बा जाए डॉक्टर रंजीत भैलन डॉक्टर सफरोज भैलन डॉक्टर श्याम बाबू भैलन डॉक्टर परमानंद भैलन डॉक्टर फिरोज अफजल भैलन सब लोग हमनी के समस्या बनी सन ना बल्कि दुनिया में 49,000 न्यूरो सर्जन वाले उनमें से 35,000 न्यूरो सर्जरी के एक हमर टीम है हमर जी 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 ओकर उ टीम के नाम हुए न्यूरो सर्जरी कॉकटेल अपने के ऑल जी उ लोग से अपने अपने उ लोग से जुड़ल बानी कैसे उ लोग से कैसे अपने लोग जुड़ल बानी 35,000 न्यूरो सर्जन से अपने संपर्क में बानी डॉक्टर साहब अपने ही कह के चाहतनी जनता लोग थोड़ा विश्वास ना कर सके ई बात के हाँ जनता लोग तो विश्वास नहीं है करी जी तक फेंके वाला बात तो गई लेकिन दुनिया में 49,000 न्यूरो सर्जन वाले उनमें से 35,000 न्यूरो सर्जन के एगो हमनी के ग्रुप बा ओकर नाम है न्यूरो सर्जरी कॉक्टर ऑल द सोशल मीडिया में बा आ ओकर हेड जोन बाटे हमिए है एक किसी से लोग कही कि तंका बड़ा चेक दिलनी लेकिन बात ई सत्य बा 35,000 न्यूरो सर्जन हमनी वाले हमनी के टीम हुए एक किसी के कोरो किसी के कोबो कोनो प्रॉब्लम पड़ल चाहे कोनो सलाह लेवे पड़ल तो एट वंस एक सेकेंड में हमनी के सलाह मिल गेला इहे ना नेपाल के बात छोड़ दी नेपाल के न्यूरो सर्जन इंडिया के न्यूरो सर्जन के बात छोड़ दी पूरा दुनिया के न्यूरो सर्जन इवन अमेरिकन न्यूरो सर्जन दे आर अंडर दिस प्लेटफॉर्म व्हिच इज कॉल्ड द न्यूरो सर्जरी कॉकटेल
सो दे आर प्रोभाइडिङ अ ग्रेट जब इभ्री वन इज टेलिङ नट ओन्ली इन द इन नेपाल एन्ड बिरगञ्ज बट इभ्रीवेयर इन द वर्ल्ड दे आर एप्रिसिएटिङ दिस वर्क फर मी जी अपने लोग के सहज रूप में कोनो किस्म के और भी मतलब सीनियर डॉक्टर लोग से भी सलाह चाही तो एकर कोनो दिक्कत नहीं कि अपने के वो जोन अपने प्लेटफॉर्म बतैनी है ग्रुप या वहाँ जाके अपने लोग तुरंत राय सलाह भी मतलब ले सकता नहीं कर सकता नहीं ये तो सलाह ही ना बल्कि ये अगर हमने के कॉल करता नहीं सन अमेरिका हो के ब्रिटेन हो के जापान हो के चाहे यूरोप हो के चाहे कहूँ भी हो के इंडिया हो के नेपाल हो के कहीं से भी अगर हमने के कॉल भी करता नहीं सन उसन सपोज टिकेटेड अगर सर्जरी खतरा बाहर नहीं जा सके तो वो डॉक्टर न्यूरोसर्जन यहाँ भी बीरगंज में आके हमने के हेल्प कर सकता एट वंस एमे कोनो दुमत के बात नहीं जी डॉक्टर साहब बहुत ही एगो कॉम्प्लिकेटेड केस अपने लोग सफलतापूर्वक बिरगज में ई कैले बनी एकरा खातिर तो हमनी के रेडियो टीम से भी अपने के बहुत बहुत बधाई बहुत बहुत शुभकामना भी बा और जनता के एगो डॉक्टर के एगो जनता के जनता लोग ई पृथ्वी पर भगवान नहीं के तो डॉक्टर के भी अपन मम्मी पापा के भी भगवान के रूप में लोग देखेला डॉक्टर के भी भगवान के रूप में देखेला और डॉक्टरी पेशा ऐसन पेशा बा कि अपने के विश्वास के आधार पर हेड खोले खातिर लोग कपड़ा खोले खातिर लोग चाहे कोनो किस्म के अपने जौन मतलब डॉक्टर राय सलाह दे देल ऊ चीज करे खातिर एकदम रेडी रहेला तो लेकिन बिरगज में का बा कि डॉक्टर पेशा डॉक्टर लोग बदनाम भी बा एगो गली भी बा जेकरा के लोग डाकू गली भी कहेला लोग डॉक्टर लोग के जी जी थिंकिंग वाले जी 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 तो बिरगज में हर चीज कमीशन हर चीज महंगा हर चीज अथी कैल जाला लेकिन अपने कहनी है कि हमनी के बाहर से भी सस्ता मतलब यही लंग प्रदान मतलब ऐसा किस्म के सेवा न्यूरो संबंधी सेवा हमनी यही लंग विदेश से अपने कहनी है कि विदेश में 29,000-35,000 तो हमारा सर संगत में बा कह के कहनी है पढ़ाई भी उहे बा दक्षता भी उहे बा यूनिवर्सिटी भी वही बा वही लंग से अपने लोग भी पढ़ के मतलब आइल बानी लेकिन फिर भी नेपाली जनता विश्वास ना करेला अपने लोग ऊपर थोड़ा डराइल रहेला तो वो लोग के का कहे के चाहे हम अपने विश्वास तो अलग चीज बात विश्वास तो धीरे धीरे होते बातें करते वाले लोग जी जी अगर कोनो डॉक्टर ऊपर विश्वास नहीं के हो तो और तरीका बातें अपने के देखे अपने गूगल में जाके डॉक्टर बिपिन चौरसिया न्यूरोसर्जन सर्च करी अपनी देखी की कितना रिसर्च आइटम बा जितना रिसर्च आर्टिकल हमर बा स्पेशली हमर उतना रिसर्च आर्टिकल अभी तक ले कोनो न्यूरोसर्जन के नेपाल में नहीं छे इवन नेपाल में ही ना अपने के देवकोटा न्यूरोसर्जन रही उनकर रिसर्च आइटम भी उतना नहीं छे उनकर रिसर्च आइटम 46-47 बाटे देखिए हमर रिसर्च आइटम अभी जब हम शुरू करनी अपन कैरियर के 78 रिसर्च आइटम अपने के लौकी गूगल में 78 रिसर्च आइटम के मतलब हो गई अपने के पढ़ते रह जाए एक महीना हमारे रिसर्च आइटम तब भी खत्म ना हो रिसर्च आइटम के मतलब हो गया साइंटिफिक वर्क कहा जाए ऐसे यही से साइंटिस्ट लोग बनेला तो बहुत रास्ता बात है अपने के देखे के जी 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 हाँ डॉक्टर गूगल सर्च करी रिसर्च गेट सर्च करी देखी अपने के डॉक्टर आजकल तो कोनो भी न्यूरोसर्जन के हरेक न्यूरोसर्जन का अपन अपन साइट बा गूगल बा हरेक न्यूरोसर्जन के फेसबुक बा हरेक न्यूरोसर्जन ट्विटर बा लिंक्डइन बा इंस्टाग्राम बा कहूं से देख सकत हैं जी एक और बात अंत में हमनी कार्यक्रम के अंत में आ गए मेरी डॉक्टर साहब एक और बात हम अपने से जानकारी ले लेवे के चाहतनी जब बिरगज में एगो और परिपाटी का बा कि ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस आ जाला था थोड़ा अगर जाने जाए वाला अवस्था बा थोड़ा मतलब ज्यादा रिस्क बा तो डॉक्टर लोग भी रिस्क लेवे के ना चाहेला कि किन फोकटिया विवाद में हमी पर्न चाहतेन कहीं कथम कदाधित भैया बने बिरगज के एगो जौन माहौल विवाद तुरंत मतलब वायलेंट हो जाए के डॉक्टर लोग में आक्रमण कर देवे के चाहे तोड़फोड़ पर भी उतर जाए के ऐसा किस्म के विवाद तो इस संदर्भ में भी का कहे के चाहे अपने पब्लिक के एगो अवेयरनेस के खातिर भी कोनो डॉक्टर चाहेला कि पेशेंट हमर पेशेंट के अगर हताहत हो जाए चाहे जान चल जाए चाहे कोनो डॉक्टर ऐसा सोच के करेला ई बात ई जनता के ना समझ में चीज जौन सीरियसनेस ऑफ डिजीज जौन बा एक समझ सिर्फ डॉक्टर लंग बा डॉक्टर ही कही कि रिफर कर देता नहीं तबे रिफर करे पड़त आ तबे पेशेंट के ले जाए पड़े ऐसा कोनो बीमारी ब्रेन के नहीं के न्यूरो सर्जरी के नहीं के न्यूरो सर्जन जौन की बीरगंज में नहीं के ट्रीट करे सकत लेकिन का बाकी पेशेंट जौन बा पेशेंट अब घबरा जाता थे ऊ सोचे रहे बीरगंज से नहीं छोट छाट जगह छोट छोट न्यूरो सर्जन वाले छोट छोट डॉक्टर वालों का ही लोग ट्रीटमेंट चल ना भाग होने
काठमांडू चाहे जी, और भागे के चक्कर में रास्ता में जान जाए के जोन रेट बा डॉक्टर चौरसिया जी, अपने एकरा बारे में भी हमनी के जनता लोग के बताए बिरगज से भागे के क्रम में। जी जी, रास्ता में अगर यहाँ से पेशेंट अगर हड़बड़ा के लेकर चल जाता तो रास्ता में 100 में से 95 लोग तो मरिए जाए रास्ता। हेड इंजुरी में ऐसा डेंजर हुए हेड इंजुरी के रास्ता में उनका 95 लोग मजे 5 लोग बचे। बात जोन बा हमने के पूरा काउंसलिंग करें करला के बावजूद भी कुछ पेशेंट अभी भी नहीं थे मानत, लेकिन धीरे धीरे वो जान जाए समझा देवल जाए मान जाए कोनो बात नहीं, जनता भी शिक्षित बा तो बात बा। जी डॉक्टर साहब, जी जी जी, कोनो भी पेशेंट के अपने लोग अपना जान बुझ के केहू डॉक्टर ना चाहेला कि कोनो कॉम्प्लिकेशन होके या कुछ खतरा हो ना होई तब रु हमनी के रिफर करम त। जी जी जी, हम तो अभी तक ले 6 बरस के अंतराल में हम कोनो न्यूरो सर्जन के नहीं की देखले कि कोनो केस रिफर कर लिया अपना हिसाब से। जी जी, पेशेंट को हत त जना हमरा के करही तो परल हम जइबे करम अब रहबे ना करम तो ओकरा के त घेर के ना रखल जाई, लेकिन हमनी के प्रयास बा कि हमनी के अभी तक ले एको को पेशेंट रिफर ना की कर सकबा। हमनी के सब पेशेंट के कोनो भी ब्रेन के होके स्पाइन के होके या पेरिफेरल नर्व के होके इस सब चीज के सर्जरी हमनी के बीरगंज में कर सकल जाते, हम भवानी हॉस्पिटल में भी करता नहीं तो ऐसे सब कुछ हम ही ना बल्कि बहुत लोग डॉक्टर रंजीत चौरसिया गौधा में बानी, डॉक्टर सफरोज अंसारी बानी नेशनल मेडिकल में, चाहे फिरोज अफजल हेल्थ केयर के बानी, चाहे परमानंद बार तराई में परमानंद शाह बानी तराई में, तो सब कोई जन बाटे कोई भी हमने की सुनले अभी तक ले सब कोई हमर फ्रेंड है बा, सब कोई हमने के अच्छे से ट्रीटमेंट कर रोज हमने के सलाह विचार होला, तो कोई भी रिफर नहीं कैले अभी तक ले केस में, जे पेशेंट अपना इच्छा से लेके जा सकते तो ओकरा के देखी रोक सकता। जी जी डॉक्टर साहब, हमने के कार्यक्रम के अंत अंत रह गए बनी, बहुत बढ़िया ही छलफल भैल अपने से, और जरूर हमने के जनता लोग के भी ऐसे कुछ अवेयरनेस भी मिलल हो अपने के काम के विषय में भी, हमने के भी धारणा रहेला कि कोनो क्षेत्र में अगर अच्छा काम करता तो ओकरा के प्रोत्साहन भी हमने के समाज से हमने के सोसाइटी से होके के चाहिए, धारणा भी बा हमने के समय उपलब्ध करा देनी, अपने व्यस्त बनी व्यस्तता के बावजूद भी समय उपलब्ध करा देनी, बहुत बहुत धन्यवाद अपने के। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जी और तमाम हमनी के श्रोता लोग के भी बहुत बहुत धन्यवाद, कार्यक्रम में ई हमनी के बहस सुन देनी है, और बिरगज में तराई में ही पहल के बार ब्रेन यूनिरिज्म के क्लिपिंग शैल क्रिया सफलतापूर्वक 3 डॉक्टर लोग के समूह जौन के लिए बाई विषय में हमनी के छलफल आज के केंद्रित रहा का कार्यक्रम सुन देनी है, बहुत बहुत अपने लोग के धन्यवाद बा, और प्रविधिक के सहयोग के खातिर बहुत बहुत हमनी के सत्येंद्र जी के भी धन्यवाद बा, और ई न्यूरो सर्जरी में सफलता प्राप्त करे वाला डॉक्टर विपिन चौरसिया सफरोज अंसारी और डॉक्टर रंजीत कुमार चौरसिया जी के भी बहुत बहुत हम बधाई और धन्यवाद देवे के चाहतनी। आज के कार्यक्रम से हम विदा चाहें, नमस्कार प्रणाम। नेपाली मन मन को आवाज हो यो रेडियो सानवी 96.4।